subscribe the channel, press the bell icon and enjoy the latest updates from the channel. आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फो फॉर यू और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने मोबाइल के डेटा को अपने पीसी में यूज़ कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप अपने मोबाइल का डाटा यूज़ करना चाहते हैं अपनी पीसी में, अपने मोबाइल को अपनी पीसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे तो इस वीडियो में सीखेंगे. अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियोज़ को. तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ. बहुत ही आसान तरीका है. आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले अपनी पीसी में आना होगा, सॉरी अपने मोबाइल में, और यहाँ से आपको क्या करना होगा, अपने हॉटस्पॉट को ऑन करना होगा. ठीक है, यहाँ पर पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन दे दिया है तो इसको हम इनेबल करेंगे. अगर यहाँ पर आपके मोबाइल में ऑप्शन नहीं है तो आपको करना क्या होगा, अपने सेटिंग में जाना होगा. ठीक है, मोबाइल के सेटिंग में, और मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से अदर वायरलेस कनेक्शन पर क्लिक करेंगे. यहाँ पर पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन है, इसे हम इनेबल करेंगे. ठीक है, आपको बस यही करना है अपने मोबाइल में और अपने मोबाइल का डाटा जो है उसे ऑन करना है. ठीक है, यहाँ से इसे ऑन करना है. अब जाना है आपको अपनी पीसी में. ठीक है, तो चलो चलते हैं पीसी की तरफ. तो आते हैं अपनी पीसी की तरफ और अपनी पीसी में आपको करना क्या है, यहाँ से आपको अपने वाईफाई को ऑन करना है. ठीक है, यहाँ पर आपकी वाईफाई अगर अप है तो यहाँ से हम अपनी वाईफाई को ऑन कर सकते हैं. ठीक है, वाईफाई पर क्लिक करेंगे और वाईफाई को ऑन करते ही यहाँ से आपके मोबाइल का जो नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, आप उसे कनेक्ट, उसे ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से कनेक्ट करेंगे. जी, मैंने ऑटोमेटिकली कनेक्ट पर क्लिक किया है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई. अगर नहीं तो आपको यहाँ से कनेक्ट पर क्लिक करके इसे कनेक्ट करना होगा. ठीक है, और ये कनेक्टेड हो गई. आप अपने मोबाइल का डाटा जो है अपनी पीसी में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें. थैंक यू.